क्योंकि जब देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि हमारे महापुरुषों के अणु परमाणु भी कितने पावरफुल होते हैं। तो पुण्यवानों, वैसे ही धर्म और अहिंसा का प्रचार ऐसे नहीं होता है। अहिंसा का प्रचार राजकरण में जैनों का कुछ वजूद हो, जैनों का कुछ पहुंच हो, जैनों के कुछ लागवग हो, तो ही अहिंसा का फैलावा होता है। तुम्हारी गली में भी तुम एक कोई मांस की दुकान खोल के बैठा हो, उसको नहीं हटा सको, तो पूरे गांव में, पूरे जिले में, पूरे तालुका में, पूरे देश में कहां से अहिंसा फैला सकोगे? आज जैन लोगों के पास राजकीय सत्ता नहीं है, क्यों चली गई? हमारे हिसाब से हम लोगों ने इस पहाड़ के ऊपर बैठकर ऐसे प्रवचन दिए हैं, दोष लगता है, दोष लगता है, दोष लगता है, अरे दोष लग गया। आज पूरे राजस्थान संसद में भी दो संसद नहीं है। आज राजस्थान विधानसभा में एक आध दिगंबर जैन को छोड़कर एक भी सितंबर विधायक नहीं है। एक दिन था 40-40, 50-50 जैन समाज के विधायक और सांसद बैठते थे, और कोई बात हो, कोई उपसर्ग हो, कोई समस्या हो, वो लोग वहाँ रजू करते थे। है तुम्हारा कोई दोस्त लगता है ना? वोटिंग देने में पाप लगता है, राजकरण में जाने में पाप लगता है, और फिर तुमको काम तो करा नहीं है, फिर हाथ जोड़ के जाते हो, ओ सर सर कुछ कर दो, हमारा मंदिर टूट गया, वहाँ हमला हो गया, साधु साध्वी का एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया, तो वो लोग भी थोड़े सुनते हैं। उन लोगों को तुम्हारे वोट तो है नहीं, तुम्हारी एकता है नहीं कि 20-25 लाख तुम्हारा एक साथ में वोट एक जगह पड़ता हो, ऐसा एकता है तुम्हारी? कोई एकता नहीं है। एक आचार्य कहेगा ऐसा नहीं करना, दूसरा आचार्य कहेगा वैसा नहीं करना, अंदर अंदर के झगड़े में टंटे में पूरी समाज तितर बितर हो चुकी है। कोई सत्ता जैनों के पास नहीं है। धर्म का फैलावा, धर्म का प्रचार बिना राजकरण में पहुँच के बिना कभी हो नहीं सकता है। इसलिए पुण्यवानों, पहले के आचार्य भी ऐसे जानकार थे, शांति चंद्र उपाध्याय, भानुचंद्र जी उपाध्याय, अकबर राजा को सिर दर्द हो गया, इतिहास की कहानी है, सारे वैद्य हकीम डॉक्टर आ गए मगर सिर दर्द जाए नहीं। शांति चंद्र उपाध्याय जी ने बोला इधर ले आओ, हम मिटा देते हैं उनका सिर दर्द। अकबर को लेके आए, उन्होंने हाथ घुमाया, अकबर का सिर दर्द चला गया। रत्न प्रभ सूरी महाराज जिन्होंने ओसवाल वंश की स्थापना किया, और रत्न प्रभ सूरी महाराज के प्रभाव कब फैला? जब राजा का लड़का को सांप काट गया, अब कोई उसको बचाने वाला नहीं मिला, कई वैद्य हकीम डॉक्टर आ गए मगर एक का एक लड़का मूर्छित पड़ा है, सांप का जहर फैला हुआ है, और रत्न प्रभ श्री महाराज ने अपने ओगे से उसके ऊपर 3 बार घुमाया और बच्चा खड़ा हो गया। पूरा क्षत्रिय वंश के लोग उस समय ओसवाल बन गए, तभी धर्म की प्रभावना हुई है। वे आज तो हाथों हाथ, अरे वे तो दारा दोनों धागा वाला है, वे तो यूं करे, वे तो यूं करे, उसके सिवाय अपन सीखे क्या है? इतने सारे प्रवचन सुन सुन के सीखे क्या? क्रिटिसाइज करना, अच्छे को बुरा मनाना, दानदाता को बे नंबर का धंधा वाला कहना, अच्छा डोनेशन देने वालों को बोलना कि मिट का धंधा कर रहा है, ऐसे ऐसे पागल लोग समाज में बैठे हैं। अरे भी तू 5,000 तो लिखाओ कहीं साधारण खाता में, कहीं 5 लाख तो लिखाओ, लिखना देना कुछ नहीं है मगर अच्छे को भी बुरा कह देना है, तब कहाँ से धर्म का प्रचार, धर्म का प्रभाव, धर्म का फैलावा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो पुण्यवानों, यहाँ पर अपन देखते हैं कि राजकरण में अपना कोई भाई यदि आगे बढ़ा हुआ है, उसे सपोर्ट करना, उसको आगे बढ़ाना, तो थोड़ी बहुत बातें तुम्हारे समाज की, तुम्हारे मंदिरों की, तुम्हारे साधु साधियों की रक्षा की बातें आगे तक जाएगा और सिक्योरिटी प्राप्त होगा। नहीं तो फिर आजकल तो कितना भी खिलाओ, कितना भी दो, तो कि वोणिया खराब है झे के, लोगों ने मोटे कई बात सुनवा मले, वोणिया एड़ा झे के, वोणिया तेरा जरे, वोणिया खुदरा अत्रा मोटा मोटा बंगला मकानों गांव छोड़ी ने
कटे कटे जाने दुकान धंधा व्यापार करे, कितना पसीना पाड़े, और कितने लोगों को अंगुलिये पकड़ कर ले गए जिन्होंने गांव के बाहर का पादर नहीं देखा था, ऐसे लोगों को अच्छे अच्छे व्यापारी बना दिए वो जैन समाज। तो भी हमेशा जैन समाज के लोगों की सोच गलत है, गंदी है, और इसलिए वो लोग कभी आगे नहीं आ सकते। मगर आप संगठित नहीं हो, आप एकता के सूत्र से बंधे हुए नहीं हो, इसलिए हर तीर्थ में झगड़े, हर ट्रस्ट में झगड़े, हर मंदिरों में झगड़े, हर थानकों में झगड़े। क्यों? स्वार्थवादी लोग घुसे हुए इन सारी जगह पर, जितने लोग बैठे हैं स्वार्थ से भरे हुए बैठे। किसी को पद का लोभ है, किसी को प्रतिष्ठा का लोभ है, किसी को पैसा की लालच है, जो धर्म स्थानकों को भी नहीं छोड़ते हैं। हाँ, तो पुण्यवानों, अहिंसा का परिपालन कुमारपाल राजा ने उस दरिद्र स्थिति में एक झाड़ के नीचे बैठे थे, तब एक चूहा एक बिल में से निकलता है, सोना मोल ला के रखता है, वापिस जाता है, सोना मोल ला के रखता है। तो कुमारपाल पीछे छुप कर बैठे हुए देखते, इसको क्या करना सोना, इसको क्या करनी है मोर, अभी तो दुखी मैं हूं, कपड़े फटे हुए है, एक गांव से दूसरे गांव भाग रहा हूं, मैं ले लेता हूं, ले लिया, छुप गए। वो चूहा आके देखता है सोना का, वो सोना वो नहीं मिला तो सिर पटक पटक के मर जाता है। तब कुमारपाल सोचते, हा, इस त्रियंश को कितना ममत्व, पूर्व भाव में इकट्ठा किया, यहां छुपाया होगा, अब मरकर चूहा हुआ। याद रखना, पहले तो लोग अपनी अपनी जमीनों में छुपा देते थे, अब 50वें माल में रहते हो, कहां छुपाएंगे? और 50वें माल में रहने वाला बोलता बासी, वो तो हाइट में माले रहे, मुझे 50वें माल है जो। अरे भाई, एक दिन खाली करने का आएगा, तब तुम्हारा धन वो सरकार ही ले जाएगी। मगर देश में जो रहते थे, आज भी देश में जो रहते हैं, अपना धन कहीं भी जमीन में, कहीं भी ऐसी जगह पर रख सकते थे, और आज उनके बेटे पोते और परपोतों को आज भी पुण्य होवे तो मिलता है। मगर ये 50 ने 100 में माले गए हुए लोगों का जब एक दिन खाली करने का एक दिन दिवाला निकले, तब वो कहाँ, कौन सी चीज उनके काम आएगी? कोई चीज को लेके नहीं जा सकते हैं। 50 करोड़ में लिया होगा, वो 49 नहीं 40 में बेचना पड़ेगा, लेने वाला भी इतना लेफ्ट राइट कराएगा। इसलिए देश की संस्कृति और गांव की संस्कृति को कभी मत भूलो। और उस कुमारपाल राजा ने मरा हुआ उसको देखा, मन में अभिग्र लिया, इसका धन मैंने ले लिया, इसलिए वो मरा, अब इसके लिए मैं मंदिर बनाऊंगा। ऐसे ऐसे प्रायश्चित हमारे पूर्वज करते थे। अपन क्या करते, मन भाग अपने कहीं घरों के सोच ही ऐसी हो गई है। अरे करुणा वाली सोच चाहिए, दया वाली सोच चाहिए, हमदर्दी वाली विचार और सोच चाहिए। उन्होंने 99 करोड़ खर्चा कर मंदिर बनाया कुमारपाल ने, किसकी यादगार में? मूसक विहार। मंदिर का नाम क्या दिया? मूसक विहार करके उस चूहे के आत्म कल्याणार्थ मंदिर बनाया। आज तो बेटा बाप के लिए भी करने के लिए मन तो ठाको नहीं सा, मारे बापा सड़ावा बोलिया भाई, मन तो कहीं कहीं नहीं गया के, तो हंग देन गया वो के, वो के लखीन गया कि तू ले जे। भूल से जो बाप ने लिखा भी हो कि मेरे जाने के बाद इसमें जो 25% धर्म में देना, वो कागजेस गुम कर दे आज के बेटे, क्योंकि संस्कार नहीं दिए, धन दिया मगर धर्म का वारसा माँ बाप नहीं देते, इसलिए जीते जीते उनको दुख झेलना पड़ता है। तो पुण्यवानों, इस तरह से मुनीश्वरत भगवान ने अपने अश्व को प्रतिबोध करने के लिए उस जीव की हिंसा ना हो जाए रात को विहार किया। किसने? मुनीश्वरत भगवान ने। तो पुण्यवानों, महावीर स्वामी भगवान ने भी उस सांप की दुर्गति ना हो जाए तो वो भी विहार करके उस जंगल में जाकर बुझ करके उसको बोध पमाया। ऐसा है अहिंसा का पहला कर्तव्य महापुरुषों ने अपन को बताया है कि अहिंसा, जीवदया, करुणा, अन्य जीवों के प्रति का वात्सल्य,
कभी कम नहीं होने देना, ये दिल में निष्ठुरता नहीं लाना। कठोर भूमि जो होती है ना, उस कठोर भूमि में बीज नहीं उगते हैं। जब बरसात पड़े तो वो भूमि भीनी हो जाती है, ढीली हो जाती है, स्पंदन करने वाली हो जाती है, तब उसमें बीज बोवो तो उगते हैं। वैसे जिसकी ये दिल कठोर है, बिल्कुल दया ना आती हो, बिल्कुल प्रेम सामने वाले जीवों के ऊपर ना आता हो, वो कितना भी धर्म करे वो धर्म उगता नहीं है। 1000 किलोमीटर की रेलवे की पट्टी भले अच्छा मच्छी हो, मगर बीच में 10 फुट 20 फुट का पाटा आप तोड़ के रख दो तो रेलवे चलती है, एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए दया धर्म मूल तत्व है। इसलिए अपन लोग हर जगह पर जहाँ भी पूजा पूजन होता है ना मंदिर में, पहली टिप किसकी होती है? जीव दया की होती है। इसलिए जीव दया को प्रधानता। रात को पोस्टर लेकर चरोली से पूछ के बैठते हैं, चलते समय डंडासन से पूज कर चलते है, ये जीव दया के लिए है, अहिंसा के लिए। दूसरा कर्तव्य हमारे आज के 5 कर्तव्य में बताया है, साधर्मिक भक्ति। साधर्मिक यानी समान धर्म वाले। आप जो नौकार बोल रहे हो, सामने वाला नौकार बोलता है वो भले किसी भी जाति का हो, आपका साधर्मिक है। अभी देखो बिहार के अंदर सरावग जैन नहीं है, सराग जाति के लोग हैं। उन सराग जाति के लोग पहले जैन धर्म पालते थे और उन सराग जाति के समस्त परिवारों में किसी के कुल देवता पारसनाथ है, किसी के मल्लीनाथ है, किसी के शांतिनाथ है। और आज भी उन सराग में लाखों परिवार के जो घर में हिंसा का कोई काम नहीं करते, कंदमूल नहीं खाते, और उनकी शादियों में रात्रि भोजन नहीं होता है, जो जैन नहीं है, मगर परंपरा में वो जैन थे, आज भी उनका गोत्र सराग है। अभी वहां पर भी बहुत धर्म प्रचार जबरदस्त चल रहा है और हजारों की संख्या में पुनः जैन धर्म में प्रवेश ले रहे, क्योंकि उनके गोत्र देवता मल्लीनाथ पारसनाथ शांतिनाथ ऐसे है, और उनके घर में कंदमूल तक भी नहीं आता है, रात्रि भोजन भी नहीं करते। अन्य जाति में होने के बाद भी वो नौकार गिनते हैं, तो नौकार गिनने वाला, और नौकार कोई संप्रदाय का मंत्र नहीं है, नौकार कोई जाति का मंत्र नहीं है। नमो अरिहंतानम क्या है? अरिहंत अरिहंत कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने जीत लिया अरिहंत। नमो सिद्धानम नमो आयनियानम नमो उज्जयनम नमो लोय सवसाऊणम ऐसो पंच नमुकारो सब पाप प्रणासनो मंगलानंच सवेसिम पदमम हवई मंगलम। ऐसे महामंत्र नौकार को गिनने वाला एक नैशार महावीर बन गया, एक जीवानंद वैद्य नौकार गिनकर ऋषभदेव भगवान बन गया। कोई जैन कुल में नहीं जन्मे थे, कोई जैन माता की कुक्ष से नहीं पैदा हुए थे, अन्य जाति और अन्य कुल में जन्मे हुए लोग ही तीर्थंकर बने। क्यों? कि उनमें राग द्वेष नहीं था, उनमें सरलता थी, और अपने में तो राग द्वेष भरा है। ये मेरे समुदाय के है, ये मेरे समुदाय के नहीं है, ये मेरे गच्छ के है, ये मेरे गच्छ के नहीं है, ऐसी राग द्वेष की परिणति मौजूद बनी है। क्या उसके लिए कोर्ट कचहरी तक भी अपान छोड़ते नहीं है? तो यहाँ पर बता रहे, जिन भक्ति कृताय नाम सास उन्नतिस्तदा साधिर में के सुवात्सल्यम कृतो मेन सुबुद्धिनाम। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति नहीं की है, शासन की उन्नति नहीं की है, साधर्म में के सुवात्सल्यम और समान धर्मी वाले ऐसे साधर्मिकों की भक्ति नहीं की है, एन सुबुद्धिना, जिन जिसने की है वो बुद्धिशाली है, और जिन्होंने नहीं की है वो बुद्धि बिना के है। इसलिए यहाँ पर अपन को महापुरुष कह रहे कि विश्व के प्राणी मात्र को, विश्व के प्राणी मात्र को आत्मतुल्य दृष्टि से जो देखता है, मानव से लेकर पशु पंखी तक समस्त जीव सृष्टि को जो करुणा की आंखों से देखकर समान वर्ताव जो करता है वो जैन है। जैन कौन है? विश्व के प्राणी मात्र को आत्मतुल्य दृष्टि से देखता है,
और मानव से लेकर पशु पंखी तक समस्त जीव मात्र के प्रति करुणा भरा वर्तन करता है वो सच्चा जैन है। फिर ओसवाल ने पोरवाल की बात तो दूर रह जाती है, या तो पशु से ले मानव से लेकर पशु पंखी तक को भी अपने मानने हैं, ऐसी विशाल दृष्टि उदार दृष्टि जीवन में जिसकी होती है वो जैन है, फिर वो किसी भी जाति में क्यों ना पैदा हुआ हो। तो ऐसा हृदय अपन को अपने साधर्मिकों के प्रति रखना है, क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि अपार वात्सल्य किसको होता है, माँ को अपने बेटा के ऊपर होता है। बेटा बोल भी ना सकता हो, मूंगा भी हो, अपंग भी हो, तो माँ क्या करती है, उस अपंग व्यक्ति अपंग बेटा के ऊपर भी वात्सल्य रखती है और उसको उठा उठा कर मंदिर लेके जाती है, भगवान के पास गुरु के पास लेके जाती है और प्रार्थना करती है मेरे बेटा को अच्छा कर दो, मेरे बेटा को अच्छा कर दो। अपार वात्सल्य बच्चे के प्रति माँ को होता है, वैसा वात्सल्य हर साधर्मिक को अपने साधर्मिक के साथ ऐसा वात्सल्य होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिलेशन है धर्म बंधु का, धर्म का रिलेशन है। इसलिए मन में भाव होना चाहिए मुझे कुछ न कुछ मेरे साधर्म के लिए करना है। अभी अच्छा है बहुत सारी समाजें जग रही है, कच्ची समाज बहुत अलर्ट है, कच्ची समाज इस बाबत में बहुत अलर्ट है। बम्बई के अंदर कच्ची समाज के लोगों ने कल्याण और डोंबिवली के अंदर एकदम आधे भावों में पूरी पूरी कॉलोनी बनाई, आधे पैसे लाओ ब्लॉक लो, आधे पैसे भी शक्ति नहीं है वो लोग उनके लिए बैंक में व्यवस्था करवा देते हैं और उस तरह से उनको फ्री ब्लॉक करवा के देते हैं। ये साधर्मिक प्रेम है, ये साधर्मिक वात्सल्य है। खाली कपड़े दे दिए ने, एक बार खाना खिला दिया, पीछे कुछ नहीं, 25 लाख का चढ़ावा एक स्वामी वात्सल्य के लिए बोल दे, 2 करोड़ का चढ़ावा एक साथ में एक वर एक स्वामी वात्सल्य के लिए बोल दे, 10 लाख में स्वामी वात्सल्य हो गया, फिर बचा हुआ 1 करोड़ ने 90 लाख का क्या होता है।